हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं जिस शब्द को सुनने वाली हूं आपके साथ, वो शब्द है बिन बोलिया सब कुछ जानदा। सब मतलब इसका शायद मतलब है बिन बोले सब कुछ जानने वाला जो है वो है, जिसे गाया है भाई जोगिंदर सिंह जी रयार लुधियाना वाले। तो चलिए फिर बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा शब्द। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शब्द सुनिएगा, उसके बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर कीजिएगा। वेण बोलियां सब कीच जानदा, वेण बोलियां सब कीच जानदा, किस आगे कीच अरदास, किस आगे
किछ जानदा मिण बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास किस आगे कीजे अरदास मिण बोलिया सब किछ जानदा सब किछ जानदा।
सब कुछ जानदा बिन बोलिया सब कुछ जानदा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बात तो बिल्कुल सच कही है इस शब्द में कि बिन बोले ही वो सब कुछ जानता है यार। उसके आगे हमें अपने दुख दर्द ये सब बयान नहीं करने पड़ते हैं। हमारे मन में जो भी चल रहा होता है ना, उसके सामने जाके बस उसको दो मिनट हम अपनी आँखों से जी भर के देख लें तो ऐसा लगता है सारा दर्द उसको सुना दिया है। और ऐसा होता भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो ऐसे मन को शांति नहीं मिल रही, जब हम कहीं भी किसी मस्जिद किसी गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सामने वाले से हम मन ही मन बोलते हैं, भले ही शब्दों को वहाँ प्रयोग नहीं होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला जो भगवान बैठा हुआ है ना हमारे सामने, ये हमें कुछ नहीं कहने देगा, ये सब कुछ जानता है। और सब कुछ जानने के बाद भी हम उसे शिकवा करते हैं कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, फिर क्यों चाहते हो, क्यों नहीं आप मेरे मन का कर रहे हो। तो बहुत ही प्यारा शब्द था। और साथ में इस वीडियो में जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ ऐसे वीडियो दिखाए हैं जिसमें गुरु का वो रूप दिखाया गया, जिसे देख के ना एकदम मन को कुछ अजीब सा एहसास होता है। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या फीलिंग है या क्या फील होता है मुझे, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई शब्द आप बिल्कुल तन मन से सुनते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि बस इस चीज़ को हम सुनते ही रहें और ये कभी ख़त्म ना हो भाई। ऐसी शक्ति होती है, ऐसी श्रद्धा, ऐसी फीलिंग्स इसके साथ जुड़ती है। बहुत अच्छा शब्द था। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये लिंक शेयर किया था मेरे साथ में, क्योंकि आप लोग ऐसे शब्द मुझे सुनने के लिए बोलते हो ना, कहते हैं कि भगवान को याद करना, इस इतनी व्यस्त ज़िंदगी है हम सबकी कि इसमें हम लोग दो पल भी भगवान के लिए नहीं निकाल पाते। लेकिन जब आप लोग कोई ऐसी रिक्वेस्टेड वीडियो भेजते हो और जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तब इसी बहाने कम से कम हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं। और आप लोगों से भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ भले ही आप कोई सॉन्ग की वीडियो ना देखिए, पर जब कोई शब्द कीर्तन भजन या किसी सिख ऐतिहासिक वीडियो होती हो तो प्लीज़ इसको देखा करिए। और शायद इसको सुनने से हमारे कुछ कहते हैं ना कि किस्मत चमकने वाली बात, तो वो हो। बाकी शब्द बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और मिलती हूँ आपको फिर से किसी ऐसी एक शब्द सुंदर सा शब्द के साथ। और तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।